क्या करा, लेट एफ एक्स इक्वल टू में अल्फा एक्स बाई एक्स प्लस वन, यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, यहाँ माइनस वन होगा तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू में एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफ एफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, एक्स दिया है, इसमें रखते हैं फंक्शन एफ एक्स, क्या हो जाएगा आपका अल्फा एक्स बाई में एक्स प्लस वन, अल्फा एक्स बाई में एक्स प्लस वन इक्वल टू में एक्स है, यही वैल्यू हम लोग फिर से फंक्शन में रखेंगे, तो अल्फा इंटू में अल्फा एक्स बाई में एक्स प्लस वन, और इसके बाई में है एक्स प्लस वन, तो उसमें रख देंगे हम लोग अल्फा एक्स बाई में एक्स प्लस वन इक्वल टू में एक्स। ठीक है, अब देखिए ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स और बाई में एक्स प्लस वन, और नीचे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं एक्स प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस वन इक्वल टू में एक्स, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर एक्स बाई में अल्फा एक्स प्लस वन इक्वल टू में एक्स। ठीक है, ये देखो उधर मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं ना, इसको इधर लेके चल लेते हैं, और इन दोनों में से देखो कॉमन होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस वन, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसमें से कॉमन कर लेंगे एक्स तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन, या तो एक ऐसे मैं छोड़ रहा हूँ तो आप ऐसे लिख लो पहले अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब समझ जाओ कि ऐसे कॉमन कैसे किया है मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस वन माइनस एक्स इंटू में, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो अल्फा माइनस वन इंटू में अल्फा प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। अल्फा प्लस वन को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर तो, और एक्स भी एक कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका एक्स माइनस, यहाँ पर बच जाएगा आपका अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो हमें अल्फा का ही ना वैल्यू चाहिए, तो इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि अल्फा इक्वल टू में माइनस का वन आ जाएगा। समझ गए?